नौटंकीपुर गांव वहाँ की कला के बारे में जाना जाता था। वहाँ पर अक्सर नाटक होते रहते थे। ऐसे ही एक नाटक दल का सदस्य था विजय। विजय वैसे तो बहुत अच्छा नौटंकी था, लेकिन उसे चोरियां करना और लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। और इस वक्त उसका सारा ध्यान बहादुर सिंह की बकरियों पर है। बहादुर सिंह एक शांत और ईमानदार मटन शॉप वाला पहलवान है। बहादुर भाई, एक केजी मटन दे दो। अभी दे रहा हूँ। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? पता नहीं कैसे, लेकिन हर रोज मेरे घर से एक बकरी चोरी हो रही है। मैं रात भर जाकर उन्हें देख रहा हूँ, फिर भी गायब हो रही है। परेशान मत हो बहादुर भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो आदमी अपना मटन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के ठीक थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर विजय आता है। अरे विजय, कैसे आना हुआ? मटन तो तुम खाते नहीं हो। क्यों नहीं खाता बे, अब तो हर रोज खाऊंगा। ऐसी बात नहीं है बहादुर भाई, मैं भी अपनी एक मटन की दुकान खोल रहा हूँ, आप भी जरूर आना। विजय इतना चालाक है कि वो जिसकी बकरियाँ रोज चुराता है पहले उसी को जाकर ये बात सुनाता है। ये कहते हुए विजय वहाँ से चला जाता है और हर रोज की तरह अपने नाटक के सामान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर बहादुर के घर जाकर बड़े आराम से अपने साथ उसकी एक बकरी लेकर आता है। अगले दिन सुबह विजय एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी दुकान में मटन बेच रहा था। वो कॉस्ट्यूम इतना असली लग रहा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। ऐसे अतरंगे अवतार में मटन बेचने की वजह से गांव के सभी लोग उसी के पास से मटन खरीदने के लिए जा रहे थे। इस वजह से उस दिन बहादुर की दुकान पर कुछ भी कमाई नहीं हुई थी। शायद आज पहला दिन है, इसीलिए सब वहाँ जा रहे हैं। शायद कल मेरे ग्राहक मेरे पास लौटकर आएंगे। ये कहते हुए बहादुर खुद को हिम्मत देता है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बहादुर की दुकान में कोई कमाई नहीं होती और ऊपर से उसकी बकरियां भी चोरी हो रही थी। यहाँ पर विजय का काम धूमधाम से चल रहा था। कहाँ जा रहे हो बहादुर भाई? मैं तुम्हारी दुकान से ही आ रहा हूँ। बनती तुम्हारी दुकान। चलो, कोई तो मेरी दुकान पर आया था। वैसे मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था। मुझसे? बताओ भाई, क्या काम है? मेरी सारी बकरियां चोरी हो गई है। नई बकरियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपकी नाटक की कंपनी में कोई काम मांगने के लिए आ रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे भी आप जैसे पहलवान नाटक करते हुए अच्छे नहीं लगते भाई, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक काम है। नाटक के सामान में से पता नहीं कौन कॉस्ट्यूम चुरा रहा है। शायद वो कॉस्ट्यूम चोर विजय है। वो एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर मटन बेच रहा है, उसी के वजह से मेरी दुकान बंद हो गई है। शेर का कॉस्ट्यूम तो उसने मुझे पूछ कर ही लिया था, लेकिन मेरा सबसे महंगा बकरी का कॉस्ट्यूम भी गायब है। वो एकदम असली बकरी जैसे कॉस्ट्यूम था। ये बात सुनते ही बहादुर के मन में एक ख्याल आता है और वो उस ख्याल को उस आदमी से शेयर करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये बकरी खरीदने के पैसे दूंगा। देखो, अगर कोई दूसरी बकरी आकर उस बकरी को अपने साथ लेकर जा रही तो वो बकरी विजय ही है। ये कहते हुए
वो आदमी बहादुर को बकरी खरीदने के पैसे देते हैं। बहादुर उन पैसों से एक बकरी खरीदकर घर लौटते वक्त जानबूझकर विजय से मिलता हुआ जाता है। एक और बकरी की इंतजाम हो गया, ये सोचते हुए खुश होता है विजय। और हमेशा की तरह उस कॉस्ट्यूम को पहनकर रात में बहादुर के घर आता है और छुपके से उसकी बकरी को अपने साथ लेकर जाता है। बहादुर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर जाता है और चुपचाप लौटकर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह जब विजय उस बकरी को कटवाने के लिए लेकर जा रहा था, तब वो आदमी और बहादुर उसका रास्ता रोक लेते हैं। मेरी बकरियां तुम्हारे पास कैसे आई विजय? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकरी मेरी है। ये बात सुनने के बाद बहादुर अपने आप को रोक नहीं पाता और विजय को खूब पीटता है। मुझे मत मारो, मैं सारी बात बताता हूँ। ये कहते हुए सारी बात बताता है विजय। अगले दिन सुबह विजय बहादुर की दुकान में बकरी का कॉस्ट्यूम पहनकर डरते हुए काम कर रहा है और बहादुर दुकान के बाहर एक असली शेर के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। बुरे कर्मों फल हमेशा बुरा ही मिलता है। उज्जवलपुर नाम के गांव में जय और वीरू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई साथ मिलकर काम करते थे। जय मटन शॉप चलाता था और वीरू उन बकरियों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। वीरू बचपन से ही अपनी माँ के करीब था। जब वो छोटा था तब अपनी माँ के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाता था और जय अपने पिता के पास रहता था और मटन बेचने में उनकी मदद करता था। वीरू अपनी माँ के साथ होने की वजह से लाड़ों में पाला था और वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, लेकिन उसे औरों की तकलीफ के बारे में जय से ज्यादा ही पता था। और जय वो बचपन से ही मटन के टुकड़े करके मेहनत कर रहा था और थोड़ा गुस्से वाला भी था। भाई आज उस लाल वाली बकरी को ले लो या काली वाली बकरी ले लो, वो दो सफेद बकरियां गर्भवती है। ठीक है भाई, वैसे ही मैं आज दुकान देर से खोलने वाला हूँ, मुझे बैंक में थोड़ा सा काम है। ये कहते हुए जय अपने रास्ते चला जाता है और वीरू बकरियां लेकर जंगल में चला जाता है। जय को बैंक जाते वक्त रास्ते में सीधा नाम का एक व्यक्ति मिलता है। सीधा जय और वीरू दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है, सीधा किसी को भी खुश या सुकून में नहीं देख सकता है। उसे लोगों में झगड़े करवाने की बहुत बुरी आदत है। अरे भाई जय, कहाँ जा रहा है? काफी व्यस्त हो गया है, नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई तू तो जानता है मैं दुकान छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए बाहर नजर नहीं आता हूँ। मिलना है तो दुकान पर आया करो। जय तू कितना बोला है मेरे भाई, सुबह से शाम तक चाकू तू चलाए और बैंक को भी तू ही जा रहा है। तेरे साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है मेरे भाई। वीरू वहाँ आराम से पेड़ के नीचे सो रहा होगा, मेरा तो नाम भी सीधा और मैं ऐसे बातों से दूर ही रहता हूँ। ये कहते हुए सीधा वहाँ से चला जाता है। ऐसे शाम होती है और शाम को घर लौटते वक्त सीधा को वीरू मिलता है। सीधा वीरू को भी वही सब बताता है जो उसने जय को बताया था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जंगल में जानवरों के बीच हो गई है तुम्हारी जिंदगी, मेरा तो नाम भी सीधा है, मैं ऐसे बातों से दूर ही रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वीरू भी डगमगा हिल जाता है। घर पहुँचने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से पहली बार नाराज होकर बात करते हैं और एक दूसरे का काम
आपस में बदल लेते हैं। अगले दिन सुबह से जय बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है और वीरू मटन की दुकान पर मटन बेचने के लिए जाता है। हैं, बस इतना सा ही काम तो है। इन्हें जंगल में लेकर जाऊं और घास खाने के लिए छोड़ दूं और खुद आराम से सो जाऊं। ये कहते हुए जय बकरियों को जंगल में लेकर चला जाता है। यहाँ पर वीरू एक बकरी को काटने के लिए 100 बार सोच रहा था। पता नहीं ये जय बकरियों को कैसे काट लेता है। मुझे इन्हें काटना या इन्हें काटते हुए देखना नहीं होगा। ये कहते हुए वीरू गांव में से एक कसाई को बुलवाकर उसे बकरी काटने के लिए कहता है और खुद वहां से दूर चला जाता है। यहां पर जय ने जितना आसान सोचा था उतना आसान काम था नहीं। जंगल में बार बार उसकी बकरियों के पास शेर और भेड़िया आ रहे थे। जय को अपनी जान बचाते हुए उन बकरियों का ख्याल रखना पड़ रहा था। पता नहीं ये वीरू हर रोज इन खतरनाक जानवरों से कैसे लिपटता है। मुझसे इन बकरियों को संभालना और नहीं होगा। ये कहते हुए जय आगे बढ़ रहा था तभी उसे घास के नीचे छुपा हुआ एक गड्ढा नजर आता है। तब जय का थोड़ा सा डर कम हो जाता है और वो सारी बकरियों को गड्ढे के इस तरफ रखने की कोशिश करता है। उन बकरियों के पास आने की कोशिश कर रहे सारे शेर एक के बाद एक गड्ढे में गिर रहे थे। पास में एक सीढ़ी रखी हुई थी जिसे वीरू घर लौटते वक्त हर रोज उस गड्ढे में डालकर चला जाता था। लेकिन जय डर के मारे उन शेरों को उसी गड्ढे में छोड़कर आता है। घर पहुंचने के बाद दोनों भाई एक दूसरे से, भाई चाहे जो भी कहो लेकिन मुझसे दुकान पर काम करना नहीं होगा। एक तो आंखों के सामने पालकर बड़ी हुई बकरियों को हाथों से मारना पड़ता है और उनके टुकड़े कर कर के मेरे हाथों की जान निकल गई है। मुझे भी माफ कर दे मेरे भाई, मैं उस सीधा की बातें सुनकर भटक गया था। जंगल में उन शहरों से खुद को बचाना ही मुश्किल था। पता नहीं तुम उन बकरियों को और खुद को बिना डरे हुए उन शेरों से कैसे बचाते हो। कोई बात नहीं भाई, इस बहाने से हमें तो पता चल ही गया है ना कि तुम कैसे मेहनत करते हो और मैं कैसे मेहनत करता हूँ। हाँ भाई, सीधा ने ये काम सीधा किया है। ऐसे दोनों भाई हंसने लगते हैं और आगे से फिर कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते हैं।